रहमतुल्लाह बरकात। आज हमारे पास है वो हॉट 11 प्ले है, वो एंड्रॉयड 11 12 वर्जन है। तो हम इसको करने वाले हैं FRP बाईपास। इसमें मसला ये है कि इसमें माइक की सिक्योरिटी भी है ना, माइक भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माइक को भी चेक करेंगे, यहाँ से भी इसकी जो है ना वर्किंग नहीं कर रहा है। नो परमिशन इसमें जाने के लिए, मैं परमिशन नहीं है। तो ये नया ट्रैक है, अभी हम इसको करने वाले हैं दूसरे तरीके से। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक ऑप्शन जो है ना इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से। ये एक सिम लेनी है आपने, सिम के अंदर जो है ना पिन कोड लगाना है। पिन कोड लगी हुई सिम को जो है ना आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद ये पिन को आप सिम ने आपको पिन सिम को सॉरी सिम लेके उसको आपने पिन कोड लगाना है। पिन कोड लगाना है 40, कोई सा भी आप पिन कोड लगा सकते हैं। आप इसके अंदर अपने फिर मोबाइल के अंदर डालना है। मोबाइल के अंदर डालने के लिए आपको फिर इसको आपने जाना है इमरजेंसी में। इमरजेंसी के बाद जाने में इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने दोबारा इमरजेंसी में जाने के बाद आपने यहाँ पर सिम ऑनर में जाना है। ऑनर में जाने के बाद आपने यहाँ पर डालना है अपना पिन कोड, जो सिम के अंदर पिन कोड डाला था। पिन कोड ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जाना है ऐड कॉन्टैक्ट में। ऐड कॉन्टैक्ट को टच नहीं करना है, प्रेस करके रखना है इसके ऊपर। ऐड कॉन्टैक्ट को यहाँ पर कॉन्टैक्ट को प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद इसकी ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो है ना हम यहाँ पर फिर हम जाएंगे परमिशन में। परमिशन में जाने के बाद सर्च करेंगे। सर्च में जाके हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपने सेटिंग में। सर्च करने के बाद सेटिंग जब आ जाएगी तो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने से दोबारा आपने सर्च करना है। दोबारा सेटिंग सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे एक और सेटिंग है कि आपने उसको ओपन करना है। दोबारा आपने उसको ओपन करना है। यहाँ पर फिर आपने जाना है ऐप्स मैनेजमेंट में। ऐप्स मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने ऐप सेटिंग में जाना है। दोबारा ऐप सेटिंग में ऐप सेटिंग को आपने ओपन करना है। ऐप सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने फिर जाना है थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट में जाने के बाद शो सिस्टम करना है। शो सिस्टम में जाके आपने सारी एप्लीकेशन ऑफ होने जाने के बाद आपने करना है अपने फेस सेटअप को, इसको डिसेबल कर देना है, ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने दोबारा इसको भी बंद कर देना है। बंद करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपने जाना है एंड्रॉयड सेटअप में। एंड्रॉयड सेटअप में जाना है। एंड्रॉयड सेटअप में जाने के बाद आपने यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप में जाने के बाद आपने फोर्स स्टॉप कर देना है। एंड्रॉयड सेटअप में जाने के बाद आपने इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर बैक आना है, दोबारा इसको फोर्स स्टॉप कर देना है, बिल्कुल इसको बंद कर देना है। फिर आपने दोबारा जाना है गूगल प्ले सर्विस में। गूगल प्ले सर्विस को भी आपने स्टॉप कर देना है। फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपने इसको टोटली बैक कर देना है। टोटली बैक करने के बाद बिल्कुल वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा करना है वेट। यहाँ पर ये आपका वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। दोबारा आपने इसको कनेक्ट करवाना है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर फिर वेट करना है। यहाँ पर जो है ना, अगर आपका मोबाइल यहाँ पर ये ओके हो जाए, यहाँ पर लॉगिन हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर नहीं होता है मोबाइल आपका, तो आपने इसको करना है दोबारा रिस्टार्ट। सिम निकाल के दोबारा लगानी है। सिम निकाल के दोबारा लगानी है। अभी थोड़ा सा वर्क बाकी है, क्योंकि जो ऑप्शन हमने इसको डिसेबल किए थे, बंद किए थे, उनको ऑन करना है। उनको ऑन करने के लिए दोबारा हमें वही स्टेप दोहराना पड़ेगा। पिन कोड इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इमरजेंसी के बाद यहाँ पे इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। ऑनर में सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर ये पिन कोड डालें जो आपने पहले से डाला हुआ था। हमारा पिन कोड था 40। उसके बाद फिर आपने वही सेटअप करना था जो पहले किया था। यहाँ पर आपने फिर दोबारा प्रेस कर रखना है। उसके बाद आपने जाना है इसके अंदर परमिशन में जाना है। दोबारा परमिशन में जाने के बाद फिर आपने ऊपर सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे सेटिंग को, जो दो जैसे दोबारा पहले प्रोसेस किया है वैसे हमने दोबारा प्रोसेस करना है। और जिनको हमने बंद किया था, जिन एप्लीकेशन को, उनको आपने खोलना है।
जिनको हमने फेस डिसेबल किया था उनको अनेबल करना है, अभी खोल देना है उनको। तो दोबारा सेटिंग में जाने के बाद फिर हम जाएंगे, इसको हम खोलेंगे यहाँ पर। ऐप्स मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर हमने जो अपने ऐप्स डिसेबल किए थे उनको ओपन करना है। यहाँ पे हमने कर देना है डिसेबल ऐप शो, इसको हमने दोबारा इस पर क्लिक करना है गूगल प्ले सर्विस के ऊपर। तो यहाँ से हमने इसको दोबारा ओपन करना है, इसको ख़त्म कर देना है, डिसेबल कर देना है। फिर हमने जाना है बैक। बैक जाने के बाद ये वो एप्लीकेशन थे जो हमने पहले बंद किए थे फुल, इसको आपने फिर दोबारा बैक कर देना है। टोटली बैक करने के बाद आपने स्टेप को दोबारा फॉलो करना है जैसा हमने कहा था। इसके दोबारा वापस आने का मकसद यही था कि क्योंकि जो हमने प्ले सर्विस या प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को जो बंद किया था तो उसको दोबारा खोलें, क्योंकि सिक्योरिटी को ऑफ करने के बाद हम दोबारा बैक आए हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका मोबाइल मसला करता है तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल को करना है ऑफ़। ऑफ करने के बाद आपने इसको मार देना है। रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपने मोबाइल को, अगर यहाँ से आपका मोबाइल ओके हो जाता है तो वेल इन गुड, नहीं होता है तो आपने यहाँ पर करना है अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट करने के बाद इसको दोबारा चेक करना है, सिम लगी हुई है वही, दोबारा आपने पिन डालना है। पिन डालने के बाद अभी हम इसको चेक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे ये मोबाइल का FRP बाईपास हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।